क्या आपने कभी सोचा है कि जंगलों में कई दिनों तक लगातार आग कैसे चलती रहती है? क्या आपको पता है कि जंगल में आग लगने के पीछे जंगल में रहने वाले पक्षियों का ही हाथ होता है? यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच यही है और ये बात पूरी तरह प्रूव भी हो चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पक्षियों को तो आग लगानी आती नहीं है, फिर वो कैसे इतना बड़ा काम कर सकते हैं? हम आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि जिन पक्षियों को हम प्यारा और सीधा समझते हैं, वो कितने मतलबी होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचकर जंगल में रहने वाले दूसरे जानवरों की जान को खतरे में डाल देते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे डाल देना, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है 1980 की, जब एक फायर फाइटर कैकाडू नेशनल पार्क में आग बुझाने पहुंचा था तो उसने देखा कि एक पक्षी सुलगती हुई एक लकड़ी को चोंच में उठाकर ले गया और एक ऐसी जगह पर उस लकड़ी को गिरा दिया जहां आग नहीं थी, और उस सुलगती हुई लकड़ी की वजह से उस जगह पर आग लग गई। पहले तो फायर फाइटर को लगा कि शायद ये गलती से हुआ होगा, हो सकता है कि ये पक्षी इस लकड़ी को अपना घोंसला बनाने के लिए ले जा रहा हो। लेकिन जब पक्षी को लकड़ी में आग लगने का एहसास हुआ होगा तो उसने उस लकड़ी को छोड़ दिया होगा। लेकिन थोड़ी ही देर में ये बात एक पक्षी ने फिर से दोहराई, तब उस व्यक्ति को लगा कि शायद ये पक्षी जानबूझकर ये हरकत कर रहे हैं। तो क्या पक्षी इतने नासमझ होते हैं कि उनको आग लगने के नुकसान के बारे में पता ही नहीं होता है? व्हाइट काइट, ब्लैक काइट, ब्राउन फाल्कन, ये वो पक्षी हैं जो जंगल में आग लगाने का काम करते हैं, लेकिन पक्षियों को माचिस जलाना तो आता ही नहीं है। तो इसका जवाब है बिजली। जी हाँ, बिजली कड़क कर जंगलों में गिर जाती है तो जंगलों में आग लग जाती है। इसके बाद ये तीनों पक्षी आग वाली लकड़ी को उठाकर किसी दूसरी जगह पर फेंक देते हैं और फिर शांति से बैठकर पूरा नजारा देखते हैं। और तो और, आग लगाने का कारण सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जब आग जंगल में फैल जाती है तो ये पक्षी चौकन्ने होकर नजर रखते हैं कि आग से बचकर कौन कौन से जानवर कहां कहां से बाहर निकल रहे हैं, जिससे ये उनका शिकार कर सकें। तो अब आप जान गए होंगे कि ये पक्षी अपना शिकार करने के लिए जंगलों में आग लगाते हैं। दरअसल घने जंगलों में कई जानवर छिपकर बैठे रहते हैं और बाहर नहीं निकलते, जिससे ये पक्षी भूखे रहते हैं। अपनी भूख को मिटाने के लिए इन पक्षियों ने ये शॉर्टकट चुना है। साइंटिस्ट को तो पक्षियों के इस आग लगाने वाले कारनामे के बारे में कुछ समय पहले ही पता चला है। एक तरह से देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन अगर इस नजरे से देखा जाए कि ये अपना पेट भरने के लिए ये सब करते हैं तो ये सही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम इन पक्षियों को नहीं कोस सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान भी तो यही करते हैं। हम लोग भी अपने फायदे के लिए जंगलों को काटते हैं बिना ये सोचे कि जंगलों को खत्म करने के बाद जंगलों में रहने वाले जानवरों का क्या होगा। हो सकता है कि पक्षियों ने इस काम को इंसानों से ही करना सीखा हो। जिस तरह से ये जानवर और पशु पक्षी इंसानों से इतना कुछ सीख रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये जानवर इंसानों की तरह काम करते दिखाई देंगे या फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप लोगों का मन बहलाते रहते हैं। उसके बदले में बस आप लोगों का प्यार चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।